की बात करूं तो भाइयों इसकी मैं कीमत की बात करूं तो ये ट्रैक। नमस्कार भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज का वीडियो है भाइयों, बहुत ही जो बजट में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, बजट से ही बजट में, तो पूरा क्या क्या इसके फीचर हैं, कितने मॉडल हैं, क्या क्या आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो पूरा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रैक्टर है जी 955 फोर व्हील ड्राइव, तो बिल्कुल ये लेटेस्ट शो में है जी ट्रैक्टर। पहले आपको मैं दिखा दूं कि फ्रंट की अगर बात करें तो 8-18 के टायर हैं इसमें, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में फ्रंट काफ़ी महत्व रखता है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है और फ्रंट जो है वो करारो का है। फ्रंट में आपको वेट लगे हुए मिलेंगे भाई, इसकी कीमत भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है भाई, कोई ज़्यादा ही बजट में फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहता हो तो ये आपको मिल जाएगा। और पिछले टायर साइज की अगर मैं बात करूं तो ये 14-9-28 का टायर है। इसी सेम मॉडल में अगर आपको 13-6-28 टायर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो लिफ्टिंग क्षमता है जी जो 55 HP ट्रैक्टर है और इसकी 1800 kg लिफ्ट की क्षमता है पूरी है। जैसे कि जो इसका ट्रैक्टर का डिज़ाइन है जी, वो इस हिसाब से रखा गया है कि जो आलू बुआई के लिए स्पेशल, हालांकि कहीं पोटैटो स्पेशल का ट्रैक्टर पे स्टिकर नहीं है, लेकिन मेरी अभी इनसे बात हो रही थी, ये जो कड़े वगैरह दिए गए हैं ये बिल्कुल आलू वाले प्लांटर के हिसाब से दिए गए हैं। जो मेरा भाई आलू की खेती करते हैं, मशीन से आलू लगते हैं, तो उसमें होता क्या है कि ट्रैक फ्रंट लिफ्टिंग की समस्या बहुत आती है और पुलिंग पावर की, तो इसमें दोनों ही चीज़ों का हल है। फ्रंट में वेट है, फ्रंट फोर व्हील ड्राइव का भारी हो जाता है और कहीं ना कहीं पुलिंग पावर भी काफ़ी अच्छी करता है। तो ये बिल्कुल एक नई लुक में ट्रैक्टर है जी, और फ्रंट ही खोल जाना है चाबी से। पूरा मैं आपको इंजन वगैरह दिखाता हूँ कि क्या सिस्टम है भाई। ये जो सेल्फ है, सेल्फ मुझे ये बिल्कुल भी छोटा सेल्फ पसंद नहीं है। कोई भी भाई अगर नया ट्रैक्टर ले तो इसे लेने से मेरे हिसाब से तो गुरेज करे, चाहे कोई भी कंपनी का कैसा भी ट्रैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि फार्म ट्रैक या कोई भी ट्रैक्टर हो तो ये सेल्फ बिल्कुल जो है बेकार चीज़ है। तो बिल्कुल एडवांस जो है इस तरीके से सिंगल जैक का आ जाता है और 3 सिलेंडर इंजन है, नॉन टर्बो इंजन है। तो भाई वो 50 HP का ये इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है ये, बिल्कुल जो जीटर टेक्नोलॉजी वाला वही इंजन है इसका, अपना प्रीत का। अब बात कर लेते हैं जी, ला दो वीर जी मूरे बंद कर दूँ, तो ऑपरेशनल एरिया मैं आपको दिखा दूँ। भाई सबसे पहले मेन बात कर लेते हैं आपका गियर स्पीड की, तो भाई ये ट्रैक्टर आपको हाई लो के अंदर ही मिलेगा। तो भाई इसके अंदर एक जो गियर बॉक्स का विकल्प है, ये फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश गियर बक्सा है। अगर आप साइड गियर लेते हैं तो ऐसे ही आपकी कीमत बढ़ जाएगी और आपको करारो ट्रांसमिशन के साथ मिल जाएगा। PTO फॉरवर्ड रिवर्स PTO है जी इसके साथ, ADDC हाइड्रोलिक है, बाकी प्लेटफॉर्म बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ट्रैक्टर की लुक बढ़िया आ रही है, ऊपर बैठ के काफ़ी ज़्यादा जो है लंबाई ट्रैक्टर की महसूस हो रही है। तो भैया सारे जो मीटर वगैरह हैं वो डिजिटल हैं, एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। और जो फोर व्हील ड्राइव एंगेज डिसएंगेज का ये वाला गियर आ जाता है मीटर प्रीत। तो भाई वो RPM देख लेते हैं, यहाँ पे बड़ा स्टाइलिश लीवर है। तो 2300 RPM के लगभग आता है जी ट्रैक्टर, बिल्कुल मीडियम स्पीड मिलेगी आपको। और जो आवाज़ की फील आ रही है भैया, थोड़ी थोड़ी स्वराज टाइप आवाज़ फील आ रही है काफ़ी, जैसे कि 960 की आवाज़ है, लगभग वैसी आवाज़ है। तो क्लच की बात कर लें तो भाई ये पूरा ड्यूअल डबल क्लच ट्रैक्टर है ये, ड्यूअल क्लच सॉरी। और आप इसकी प्लेट देख लीजिए भैया पूरी पूरी। और जो PTO का है भाई, इस हिसाब से इसको जो है कवर कर दिया गया है बिल्कुल सेंटर में। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, मतलब कि ये पत्ती के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है कि कम है ग्राउंड क्लियरेंस, लेकिन अगर शावट की बात करें तो बिल्कुल एम पोजीशन सही है। फोर व्हील डिसएंगेज एंगेज का यहाँ पे लीवर आ जाता है जी, और ट्रैक्टर की लुक बहुत बढ़िया है। तो भाइयों अगर मैं कीमत की बात करूँ तो भाइयों इसकी मैं कीमत की बात करूँ तो ये ट्रैक्टर 6,95,000 रुपये में ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। और इनका मैं नंबर वगैरह बता देता हूँ, तो जिन्हें वीर वीरों पंजाब च ने वह फोन करे, क्योंकि बाहरली स्टेट चो वीर ना फोन कर। तो भाई ये प्री ट्रैक्टर की एजेंसी है मुल्लापुर दाखा में, लुधियाना किन्ना वीर और लुधियाना किन्ना लुधियाना कितनी 20 किलोमीटर। हाँ तो भाई लुधियाना से जो मोगा रोड है वहाँ पे इनकी एजेंसी है, तो आप जो है अगर किसी भाई को इंक्वायरी है तो इंक्वायरी कर सकता है। तो ये इनके दोनों ही नंबर है। धन्यवाद।